स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, अभी अभी हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने कोरोना वायरस के ताल्लुक से तफसीलात बताए और जो रियासत तेलंगाना के अंदर जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर आया था जो मर्ज और वो गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और जिसके बाद आज कुछ पेपर्स के अंदर या हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट था, रात में उनको गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। और साथ ही साथ अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये भी बता रहे थे जो दो लोग के ऊपर शक था उनको टेस्ट कराकर पुणे को भेजे और उनका रिपोर्ट आने के बाद उनका इलाज के लिए तफसीलात बताएंगे। और यह सवाल स्पीकर साहब, जो ये मर्ज है, अभी हमारे सीएम साहब ने बता रहे थे 1835 के दरमियान में, 1819 के दरमियान में ये मर्ज फैला था और इस वक्त फिर एक मरतबा ये मर्ज फैला और ये मर्ज जो दिसंबर 2019 में चाइना से चालू हुआ और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर ये मर्ज को फैला गया और हिंदुस्तान के अंदर भी जो रियासतें हैं, चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या नई दिल्ली हो या कश्मीर हो या तमिलनाडु हो या पंजाब हो, और इन तमाम जगह पर, कई जगह पर 11, कई जगह पर 2, कई जगह पर 1, ये मेरे रियासत तेलंगाना के अंदर जो दुबई से कहीं से आकर और यहाँ पर उनको चक्कर ने के बाद गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो मर्ज है कोरोना वायरस के, वो 75 कुछ है मर्ज और उनके ताल्लुक से हालिया में कल कहीं कर्नाटक के अंदर एक डेथ भी हो गया और कई जगह पर एक डेथ हुआ। मगर जो आज के इस मर्ज के ताल्लुक से यही बताना चाहता हूँ और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी, हमारे सीएम साहब पिछले 4 दिन पहले भी इसी हाल के अंदर बता रहे थे तेलंगाना के अंदर ये वायरस नहीं फैलेगा क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये वायरस नहीं होगा। और इसके लिए अभी अभी हमारे सीएम साहब भी ये बता रहे थे कि इसके लिए, इस मर्ज के लिए चाहे 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ रुपये हो, हम इसके लिए पूरा भरपूर काम करेंगे और काम कर कर ये वायरस को कंट्रोल करने का, पूरा इलाज करने का पूरा हमारे को भरोसा दिलाए। मगर साथ ही साथ मैं आपको ये, आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, कि आज जो एयरपोर्ट हो या सिनेमा हॉल्स हो या फंक्शन हॉल्स हो या मॉल्स हो या जो फंक्शन हॉल जो जहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस है, इन जगह पर आपको तमाम को हुकूमत को इसके ऊपर बड़ी तवज्जो से काम कर कर देखने की ज़रूरत है। और अभी अभी मालूम हुआ कि दिल्ली के अंदर भी स्कूल्स को छुट्टी दे दी गई। मैं आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब को, हमारे पास भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है और जो स्कूल्स है, इन जगह पर भी हमारे को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए ये बता रहा हूँ कि अभी हमारे को भी इत्तला मिली कि इस मर्ज के ताल्लुक से चाहे कोई मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुआ, मगर मैं आपके ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे रियासत के यहाँ के जो बड़े बड़े आला होदेदार है, इसके लिए पूरा कंट्रोल करने के लिए और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा आपके ज़रिए हुकूमत का शुक्रिया करता हूँ।